मुनीम जी, सेठ गजेंद्र सिंह जी ने हमारे जन्मदिन का उपहार तो बहुत सुंदर भेजा है, किंतु इस मूर्ति का अर्थ क्या है? महाशय, यह मूर्ति सिपाही की भी लग रही है और किसी महात्मा की भी। महात्मा वाली छवि देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे आपको संदेश देना चाह रहे हों कि अब आप जैसे सज्जन वास्तव में सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। आपकी बात यथोचित लग रही है, किंतु हमें लग रहा है कि इसका कुछ और अर्थ भी है। वे आपके मित्र हैं, आपकी उन्नति से उन्हें सदैव प्रसन्नता हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि इस मूर्ति द्वारा वे आपका सम्मान करना चाहते हैं। चलो उन्हीं से पूछ लेंगे। सेठ जी और मुनीम जी ने जो भी बातें की उनमें नई बात थी संधियुक्त शब्दों का प्रयोग, अर्थात उन्होंने अनेक ऐसे शब्द बोले हैं जिनमें दो शब्दों के वर्णों के बीच संधि हुई है। संधि के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है, फिर भी एक बार समझा देती हूँ। गजेंद्र महाशय, महात्मा, सज्जन सन्यासी, यथोचित, उन्नति, सदैव, सम्मान, शब्द दो दो शब्दों से बने हैं। आइए इन्हें तोड़ते हैं। गज जमा इंद्र, महा जमा आशय, महा जमा आत्मा, सत जमा जन, सम जमा न्यासी, यथा जमा उचित, उत जमा नति, सदा जमा एव, सम जमा मान। इन सभी शब्दों के पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच संधि होने से शब्दों का रूप बदल गया है और वे नए शब्द बन गए हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलान। पहले पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय अर्थात विद्या जमा आलय, वार्तालाप अर्थात वार्ता जमा आलाप। संधि के तीन भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर उसमें जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के पांच भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। दीर्घ संधि, ह्रस्व और दीर्घ समान स्वर के निकट आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे अ जमा अ अथवा आ बराबर आ। धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, पुरुष जमा अर्थ पुरुषार्थ, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, छात्र जमा आवास छात्रावास, आ जमा अ अथवा आ बराबर आ। विद्या जमा अभ्यास विद्याभ्यास, सीमा जमा अंकित सीमांकित, शिक्षा जमा अर्थी शिक्षार्थी, दया जमा आनंद दयानंद, वार्ता जमा आलाप वार्तालाप, इ जमा इ अथवा ई बराबर ई। कवि जमा इंद्र कवींद्र, अभि जमा इष्ट अभीष्ट, रवि जमा इंद्र रवींद्र, गिरि जमा ईश गिरीश, कवि जमा ईश कवीश, कपि जमा ईश कपीश, ई जमा इ अथवा ई बराबर ई। मही जमा इंद्र महेंद्र, नारी जमा इच्छा नारी इच्छा, रजनी जमा ईश रजनीश, सती जमा ईश सतीश, उ जमा उ अथवा ऊ बराबर ऊ, सु जमा उक्ति सूक्ति, अनु जमा उदित अनूदित। गुण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ अथवा आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ इ ई उ ऊ रि आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। अ जमा इ अथवा ई बराबर ए। नर जमा इंद्र नरेंद्र, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, सुर जमा ईश सुरेश, गण जमा ईश गणेश, आ जमा इ अथवा ई बराबर ए। यथा जमा इच्छा यथेच्छा, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, उमा जमा ईश उमेश,
राजा जमा ईश राजेश अ जमा उ अथवा उ बराबर ओ सूर्य जमा उदय सूर्योदय वार्षिक जमा उत्सव वार्षिकोत्सव जल जमा ऊर में जलोर में आ जमा उ अथवा उ बराबर ओ महा जमा उत्सव महोत्सव महा जमा उदय महोदय यथा जमा उचित यथोचित अ जमा रि बराबर अर सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि देव जमा ऋषि देवर्षि ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि वृद्धि संधि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ अथवा आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ए ओ आई या औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाते हैं अ जमा ए बराबर आई एक जमा एक एक, एक हित जमा एशी हितैषी आ जमा ए बराबर आए सदा जमा एव सदैव तथा जमा एव तथैव अ जमा आए बराबर आए मत जमा ऐक्य मतैक्य परम जमा ऐश्वर्य परमैश्वर्य आ जमा आए बराबर आए महा जमा ऐश्वर्य महैश्वर्य अ जमा ओ बराबर औ जल जमा ओध जलौध दंत जमा ओष्ठ दंतौष्ठ आ जमा ओ बराबर औ महा जमा ओजस्वी महोजस्वी अ जमा औ बराबर औ परम जमा औदार्य परमौदार्य वन जमा औषध वनौषध आ जमा औ बराबर औ महा जमा औषध महौषध यण संधि जब ह्रस्व या दीर्घ इ उ तथा रि के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इ का य उ का व और रि का र हो जाता है इ जमा अ बराबर य यदि जमा अपि यद्यपि अति जमा अंत अत्यंत अति जमा अधिक अत्यधिक प्रति जमा अंग प्रत्यंग इ जमा आ बराबर या अति जमा आचार अत्याचार अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक वि जमा आकुल व्याकुल इति जमा आदि इत्यादि इ जमा उ बराबर यु प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर अभि जमा उदय अभ्युदय प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार अति जमा उत्तम अत्युत इ जमा ऊ बराबर यू नि जमा ऊन न्यून वि जमा ऊह व्यूह इ जमा ए बराबर ये प्रति जमा एक प्रत्येक अधि जमा एता अध्येता ई जमा ऐ बराबर यै देवी जमा ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य नदी जमा ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य उ जमा अ बराबर व सु जमा अच्छ स्वच्छ सु जमा अल्प स्वल्प सु जमा अस्ते स्वस्ते अनु जमा अय अन्वय उ जमा आ बराबर वा सु जमा आगत स्वागत उ जमा इ बराबर वि अनु जमा इति अन्विति उ जमा ए बराबर वे अनु जमा एषण अन्वेषण अनु जमा एषक अन्वेषक अयादि संधि ए आई ओ या औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ऐ और आय अव और आव हो जाते हैं ए के बाद अन्य स्वर बराबर ए का आई जमा अन्य स्वर ने जमा अन नयन चे जमा अन चयन शे जमा अन शयन जे जमा अंत जयंत ऐ के बाद अन्य स्वर बराबर ऐ का आय जमा अन्य स्वर नए नए जमा अक नायक नए जमा इका नायिका गए जमा अक गायक गए जमा इका गायिका ओ के बाद अन्य स्वर बराबर ओ का अव जमा अन्य स्वर पो जमा अन पवन भो जमा अन भवन हो जमा अन हवन औ के बाद अन्य स्वर बराबर औ का आव जमा अन्य स्वर पौ जमा अक पावक भौ
जमा अक भावुक। व्यंजन से परे व्यंजन या स्वर आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह हो तो क च ट त प का क्रमशः ग ज ड द ब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जमा अंबर दिगंबर, षट जमा दर्शन षट दर्शन, भगवत जमा गीता भगवत गीता, वाग जमा ईश वागीश, षट जमा ऋतु षट ऋतु, वाग जमा जाल वाग जाल। यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे व जमा मय वंग मय, उत जमा मत उन्मत, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, उत जमा नति उन्नति। यदि म के बाद का से लेकर म तक का कोई वर्ण हो तो म उस वर्ग के पांचवे वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा चय संचय, सम जमा गति संगति, सम जमा ध्या संध्या। यदि म के बाद य र ल व श श स ह हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा हार संहार, सम जमा सार संसार, सम जमा वाद संवाद, सम जमा योग संयोग, सम जमा यम संयम, सम जमा शे संशय। परंतु यदि म के बाद रा हो तो म का म ही रहता है। सम जमा मान सम्मान, त जमा च उत जमा चारण उच्चारण, उत जमा चरित्र उच्चरित्र, शरत जमा चंद्र शरचंद्र, सत जमा चरित्र सचरित्र, त जमा ज सत जमा जन, त जमा ल तत जमा लीन तल्लीन, उत जमा लंघन उल्लंघन, उत जमा लेख उल्लेख, उत जमा लास उल्लास, त जमा ह उत जमा हत उद्धृत, उत जमा हार उद्धार, उत जमा हत उद्धत। यदि रि र श के बाद न हो तथा इनके बीच में कोई स्वर पवर्ग या य र ल व ह हो तो न का ण हो जाता है। जैसे प्र जमा मान प्रमाण, राम जमा अयन रामायण, विशेष जमा न विशेषण, प्र जमा नाम प्रणाम। यदि अ आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद स हो तो स का श हो जाता है। जैसे नि जमा सेद निषेध, वि जमा सम विषम। यदि अ आ इ उ के बाद छ हो तो च जुड़ जाता है। जैसे अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छंद स्वच्छंद, आ जमा छादन आच्छादन, वि जमा छेद विच्छेद, परि जमा छेद परिच्छेद। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तप जमा बल तपोबल, रज जमा गुण रजोगुण, प्रय जमा द पयोद, मन जमा रथ मनोरथ, मन जमा ज मनोज, तेज जमा मय तेजोमय, नि जमा आशा निराशा, नि जमा विकार निर्विकार, नि जमा उपाय निरुपाय, नि जमा चय निश्चय, नि जमा छल निश्चल, नमः जमा ते नमस्ते, नमः जमा कार नमस्कार, नि जमा कलंक निष्कलंक, नि जमा प्राण निष्प्राण, दु जमा कर दुष्कर, नि
जमा रस नीरस नि जमा रज नीरज नि जमा रव नीरव नि जमा रोग निरोग। अब तक हमने सीखा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। स्वर संधि के पांच भेद हैं: वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाद संधि। दीर्घ संधि में समान जाति के स्वरों का मेल होता है, गुण संधि में दो भिन्न स्वरों का मेल होता है, यण एवं अयाद संधि में दो भिन्न वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है।